कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र में हुई पिछली कुछ चोरियों का रविवार को पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने पिछली कई चोरियों को कबूला है। इसके आगे उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी नितेश द्विवेदी, राहुल बेन, विक्की बेन ने 7 चोरी कबूली है और यह लोग सुनसान घरों को निशाना बनाते थे, वहां से चुराया हुआ सोना चांदी का सामान गोल्ड लोन कंपनी में जाकर गिरवी रख देते थे, जिसके चलते किसी को कोई शक नहीं होता था। इसके तहत ही पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवर सहित अन्य कीमती सामान जब्त किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनकेजे थाना अंतर्गत हमने 3 बदमाशों को पकड़ा है जो दुर्गा चौक और उसके आसपास के रहने वाले हैं। इनका नाम है नितेश, राहुल बेन और विक्की बेन। इनको पुलिस ने पकड़ा है और जब इनसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई कठोरता से, तो इन्होंने 7 चोरियों को करना कबूला है और इनसे लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के मशरूका बरामद किए गए हैं, जिसमें सोने चांदी के अलग अलग प्रकार के आभूषण शामिल हैं। देखिए, जब इनसे पूछताछ की गई तो हमें यह बताया गया, आमतौर पर ऐसा होता था कि जो ऐसे कुछ लोग होते थे जो इनसे खरीद लेते थे, आम कुछ व्यापारी भी होते थे, लेकिन इस बार एक नया पैटर्न सामने आया है कि ये जो बदमाश हैं, इन्होंने ये गोल्ड लोन कंपनियों को इन्होंने दे करके वहाँ पे गिरवी रख करके उनसे पैसा जुटाया है, जिसमें कि IFL, मनप्पुरम और एक मुथुट फाइनेंस, ऐसे 2-3 कंपनियों का नाम सामने आया है जहाँ पे इन्होंने रखा था। हमने इसमें कागजी कार्रवाई और जो अन्य हमारे कार्रवाइयाँ हैं उसके आधार पे हमने वो मशरूका जो है वो लूटा गया, वो चोरी किया गया माल जो है हमने बरामद किया।